दोस्तों आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में फर्जी बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के बाबा हों। इन फर्जी बाबाओं की बढ़ती भीड़ से हर कोई परेशान है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह। हालांकि हिंदू धर्म के बाबाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और हिंदू धर्म का ही लोग मजाक बनाते हैं इन फर्जी बाबाओं की वजह से, पर जब हमने इस बात की पड़ताल की तो अन्य धर्म के बाबाओं की कुछ वीडियो हमारे सामने आई। हमें अफसोस हुआ कि हिंदू धर्म के बाबा तो एक्टिंग करने में अभी बहुत पीछे हैं, असली हीरो तो दूसरे धर्मों में भरे पड़े हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के इन्हीं बाबा को देख लीजिए, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? बोला तूने? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने जैसा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजरत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फर्जी बाबाओं की फर्जी कहानियों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आप हमारी वीडियो देखकर कह सकें, वाह क्या सीन है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नाबालिग रेप कांड में आसाराम को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करतूतों की कहानी। There has been a fresh development in the 2010 Nityanand sex scandal। बिगड़ा भाग्य बनाए कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, फिर ना टिकने पाए है जोगी रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार। हमारी फर्जी बाबाओं की लिस्ट में पहला नाम है गुरमीत राम रहीम का। इनका असली नाम हरपाल सिंह था। इनके घर वाले डेरा सच्चा सौदा में आते थे। कुछ समय के बाद राम रहीम भी डेरा सच्चा सौदा में जाने लगे और कुछ समय के बाद ही डेरा सच्चा सौदा को संभालने का जिम्मा राम रहीम को दिया गया। और अब शुरू होता है राम रहीम का घिनौना खेल। ये खेल क्या है आप खुद ही देख लीजिए। डेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या, लोगों से सौदा ये करते हैं, नशाखोरी है, मांसाहार है, वैश्यावर्त, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये गुरुदक्षिणा है हमारी। आपने 400 लोगों को नपुंसक बना दिया आपने। जी 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 जी, भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए। कैसी अपमान कर बातें कर रहा लड़का ये। लिखते हम हैं, धुन हम बनाते हैं, साज हम मौके पे, ये बार तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ। तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं, तो जरा नेवर एवर सुना दीजिए। आई फॉरगेट यू नेवर एवर, आई फॉरगेट यू नेवर एवर, विदाउट यू माय लाइफ नेवर एवर, विदाउट यू माय लाइफ नेवर एवर, यू आर माय फॉरएवर। आपको बता दें, राम रहीम और हनीप्रीत के चर्चे बिल्कुल ऐसे ही मशहूर हैं जिस तरह हाल ही में सीमा हैदर और सचिन के हैं। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि राम रहीम ने प्यार का इजहार कुछ इस प्रकार किया। भाग्य और हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी फर्जी बाबाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं भारत के माइकल जैक्सन। मारे लो कंट्रोल कंट्रोल। जी हाँ, दूसरे नंबर पर हैं बापू आसाराम जी। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले आसाराम आजकल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, क्योंकि वो दो नाबालिग लड़कियों से रेप केस में दोषी पाए गए थे। ये वही लड़कियां हैं जिनके साथ वो भोलेपन में अक्सर डांस किया करते थे। आपको बता दें, कई सारे पॉलिटिक्स लीडर आसाराम को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनका कहना था कि आसाराम को ईश्वर की दिव्य शक्ति प्राप्त है। जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। हमारे परम पूज्य आसाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर के बाबा हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी बातें सुनकर आप दीवार से टकरा सकते हैं या फिर बिजली के तार भी पकड़ सकते हैं। ये केले बहुत सामने आ रहे हैं भैया, जलेबियां आपने कहाँ देखी? अच्छा, ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला भैया, विस्की की बोतल वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने हमारे? अरे कहना क्या चाहते हो? आपको बता दें, निर्मल बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें आने वाले हर व्यक्ति से 500 रुपए का चार्ज लिया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ बात 5 रुपए की भी नहीं बताई जाती। हद तो तब हो गई जब एक दिन निर्मल बाबा के दरबार में एक व्यक्ति ने पूछा कि उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, इस पर बाबा कोई उपाय बताएं। बाबा ने इस व्यक्ति को कहा कि वो रोज सुबह उठकर खीर खाए, तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि इस व्यक्ति को हाई डायबिटीज था। निर्मल बाबा की इन्हीं हरकतों से तंग आकर कोर्ट ने भी दरबार लगाने पर बैन लगा दिया है, पर बाबा किसी की नहीं सुनते और आज भी दरबार चला रहे हैं, लोगों को मूर्ख जो बनाना है। हमारी लिस्ट में 4 नंबर पर कोई बाबा नहीं बल्कि मेकअप वाली माता जी हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये मेकअप बिल्कुल नहीं करती। राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है, जबकि देख लो आप, मैंने मेकअप कुछ नहीं लगाया हुआ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। राधे माँ खुद को देवी दुर्गा का अवतार बताती हैं। ये ऐसी माता हैं जिनकी चौकी लगवाने का खर्चा लगभग 5 लाख रुपए तक होता है। अगर देखा जाए तो इतने पैसे में माता का पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाए। आपको बता दे, राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। ये पहले कपड़े सिलाई का काम करती थी। फिर एक दिन इनको ख्याल आया कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिससे वो लोगों का दुख दूर कर सकती हैं। तब से लोगों के दुख का तो पता नहीं, पर राधे माँ के सब दुख दूर हो गए। एक काम भाई, तुम जानो, संजू मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ, तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो, कोई मेरी तरफ ना देखो, ध्यान करो, मास्टर जी देख सकते, ये मेरे टेलर हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर कोई एक बाबा नहीं बल्कि मुस्लिमों के फर्जी बाबाओं की पूरी लिस्ट है। इससे पहले हम इनके बारे में 2 शब्द कहें, आप खुद ही इनके मुंह से इनके 2 शब्द सुन लीजिए और इन्हें सुनकर आपको जरूर लगेगा कि कयामत आने में बस 1-2 दिन बाकी हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो जब हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर हूर हूर, तो सुन, समझते हो ना? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? सूरज आपके मुंह से दूर हो गया? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया, कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी? जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा, साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। गाना बजाओ बेटे, बेटे, बेटे। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर जो शख्स हैं उनके लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है, वो चाहे फिर सलमान खान को जेल भिजवाना हो या मोदी जी को विदेश यात्रा पर, इसलिए इनके भक्त इनके प्यार में पागल हो चुके हैं। इतनी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। बेटे अभी क्या हुआ, बोलने लगे। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन आप देखो
देखो छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? बेटे क्या नहीं, तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? मेरा जस्सू जस्सू। तब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? क्या माहिला? भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म के चमत्कारी गुरु बजिंदर सिंह की। बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के जाट परिवार में हुआ था। एक हत्या के मामले में जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। हैरानी वाली बात तो यह है कि बजिंदर सिंह मात्र कुछ ही दिन में सभाएं करने लगे और लोगों को अपने चमत्कार दिखाने लगे। अब आपको पता ही है कि भारत में मूर्ख बनने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों अब बात यह आती है कि लोग इन बाबाओं को भगवान क्यों समझते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो लोगों का कम पढ़ा लिखा होना है, पर आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी आगे बढ़कर मूर्ख बन रहे हैं। दूसरा कारण है कि इन बाबाओं पर लोगों का अंधविश्वास। आपको पता ही होगा जब किसी को दुख होता है तो उसकी सोचने की क्षमता तो वैसे ही कम हो जाती है और उसी का फायदा ये बाबा लोग उठाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करें कि वो ऐसे फर्जी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें जो जाति धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।